भैया साहब, एक हीरो का भी क्या जलवा होगा जो हकीम लुक्के का जलवा है। चल। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है साहब, अपन भी इंसान है, काय को जानवर के माफिक घसीटता है। हैदर साहब, एक सोडा मिलेगा क्या? चुपचाप चल यार के जने, एक बार जज तुझे पुलिस कस्टडी में दे दे, फिर लॉकअप में तुझे खूब सिगरेट पिलाऊंगा। ये तो जज का फैसला ही बताएगा। योर ऑनर, इस साल में सातवीं बार पुलिस मेरे क्लाइंट को पकड़ लाई है। इस रिमांड एप्लीकेशन में लिखा है कि हकीम लुक्का लड़कियों का दलाल है, ग्रांट रोड में इनके बियर बार्स हैं और अपने बार में ये चकला चलाते हैं। योर ऑनर, जिस वक्त ये पुलिस वाले हकीम लुक्का पर वेश्या के नाक कान काटने का इल्जाम लगा रहे थे, उस वक्त ये बेचारा ग्रांट रोड में तो क्या मुंबई शहर में नहीं था, ये तो लखनऊ गया हुआ था पार्टी के प्रचार के लिए। योर ऑनर, ये रहा पुलिस की मक्कारी का सबूत। यह है लखनऊ का एयर टिकट, यह है लखनऊ के गेस्ट हाउस का रजिस्टर, और योर ऑनर, ये है उस लखनऊ गेस्ट हाउस के मैनेजर। योर ऑनर, झूठ बोलता ये कुलकर्णी, हकीम लुक का एक फड़वा है, ये साला हरामी मासूम लड़कों से धंधा करवाता है। सुना आपने योर ऑनर, यह है हमारी मुंबई की आदरणीय पुलिस, अदालत में खड़े होकर गालियां दे रही है। एसीपी अर्जुन रणावत, अगली बार आपने इस अदालत में बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया तो आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे। अदालत को मजाक बना रखा है, बगैर सबूत या गवाह के लोगों को पकड़ कर ले आते हो। इस बार मैं आपको चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, आइंदा इस तरह के मसले लाकर अदालत का वक्त जाया ना करें। अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया जाता है। थैंक यू मिलॉर्ड। हजार बार तुझसे कहा है कोर्ट में तमीज से पेश आया कर। वो हमारी कमीज फाड़े जा रहे हैं और तू कहता है कि तमीजवर है। क्यों अर्जुन साहब, उतर गई ना कोर्ट में पतलून? अपन बोला था वकील साहब, अपन डंके की चोट पे बोला था कि इस बार भी हकीम लुक्का छूट कर दिखाएगा। क्यों, क्या उखाड़ा तूने? वो क्या है ना साहब, अपन से दुश्मनी तुम्हारे लिए खतरा और तुम्हारी बहन के लिए भी खतरा। सुना है तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है साहब। लेकिन समझा इस हीरो को, वकील से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी इसको। चलो भाई, चल ना।